हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। दोस्तों आज हम भाजपा अडानी की एक ऐसी पोल खोलने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों अडानी ने कृषि कानून बनने से पहले ही हरियाणा में 100 एकड़ जमीन खरीद ली थी। आखिर ये जमीन क्यों खरीदी गई, क्यों ये कृषि कानून बनने से पहले जमीन खरीदी गई, इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों 3 महीने पहले केंद्र सरकार ने भयंकर महामारी के बीच 3 नए कृषि कानून बना दिए, ये कहकर कि इनसे किसानों का भला होगा। बड़े ही मामूली गतिविधि का चहेते गोदी मीडिया से हल्ला करवा देने वाली सरकार ने इस बार यह काम बगैर प्रचार के क्यों अंजाम दिया। कानून किसानों के भले के लिए बन रहे थे तो इस बार किसानों से बात क्यों नहीं की गई, आज हम आपको बताएंगे कि ये नए कानून आखिर क्या कहते हैं। सरकार किसानों को चुनिंदा फसल की खरीद में जो गारंटी देती है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, वह अब खत्म है क्योंकि नई व्यवस्था में मंडियां ही उठ जाएंगी। दूसरा कानून है खेती अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसान मानो बंधुआ मजदूर की तरह पूंजीपतियों के लिए अन्न उगाएंगे जो अन्न ठेकेदार व्यापारी जहां चाहे बेच सकते हैं। सरकार का मानना है कि सरकारी खरीद से यह सीधी खरीद किसान के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। तीसरा कानून निजी क्षेत्र फसल भंडारण के लिए गोदाम खड़े कर सकेगा, इसकी कोई सीमा नहीं होगी, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। किसान तो भंडारण के ऐसे निर्माण से रहा, यहाँ भी पूंजीपति ही धंधा करेंगे, कहने की जरूरत नहीं है कि किसानों के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के भले के लिए बनाए गए हैं। ये महज संयोग नहीं है, प्रधानमंत्री के चुनावी धंधाता अडानी जिसका धंधा पिछले वर्षों में देश में अव्वल दर्जे पर पहुंच चुका है, कानून बनने से पहले ही हरियाणा में जहां से पंजाब और उत्तर प्रदेश दूर नहीं है, उन्होंने वहां पर बेहिसाब जमीन फसलों के भंडारण के लिए खरीद ली है। नए कायदे में सबसे बड़ी खामी है कि अगर पूंजीपति और किसान में उक्त व्यवस्था में विवाद उत्पन्न हुआ तो किसान अदालत में नहीं जा सकेंगे। विवाद का निपटारा और यह निपटारा सरकारी अधिकारियों के स्तर पर किया जाएगा जो कहने को भले न्यायाधिकरण कहलाए, यानी देश की 60-70% जमीन जोतने वाले भारतीय नागरिक होंगे, फिर भी भारतीय अदालत का दरवाजा खटखटाने के नागरिक अधिकार उनके पास नहीं रहेंगे। सब चाल अडानी और भाजपा की किसानों ने पकड़ ली है, वो सड़कों पर हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान, स्वाभाविक ही लगा है कि ये उनका भविष्य खरीदने की एक साजिश है। विवादित कानूनों के खिलाफ उनका प्रतिरोध एक विराट आंदोलन में बदल चुका है, ऐसा मंजर देश ने आजादी के बाद शायद पहले ही देखा हो। पूंजीपतियों की हितकारी सरकार जितना कहती है कि आंदोलन के पीछे देश विरोधी खालिस्तान समर्थक अर्बन नक्सली टुकड़े टुकड़े गैंग, इनका हर सरकार की प्रोपगंडा मशीनरी को ही पता है, इन सभी का हाथ है, ये सरकार का कहना है। उतना सरकार ये कहती है उतना ही आंदोलन को जन समर्थन मिलता जाता है। इस आंदोलन में किसान की जीत अवश्य भावी है, सरकार जितना देर करेगी उसकी ही साख जाएगी। आंदोलन के चलते दूर देशों में बड़ी फजीहत हुई है। दोस्तों आपका क्या कहना है कि हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल मेवात आज तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।